फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस अबाउट दी प्लेट क्लच प्रॉब्लम सो क्वेश्चन ला பாப்போம் क्वेश्चन रीड आउट பண்ணுவோம் मैक्सिमम मिनिमम एवरेज प्रेशर மூணு கண்டுபிடிக்கணும் எதெல்லாம் ப்ளேட் கிளட்ச்ல ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 நியூட்டன் கொடுத்துட்டாங்க அவுட்டர் டயாமீட்டர் அண்ட் இன்னர் டயாமீட்டர் அவுட்டர் டயாமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 நியூட்டன் இன்னர் டயாமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 mm கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அஸ்யூம் பண்ணி சொல்லிருக்காங்கனா யூனிஃபார்ம் வியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்யூம் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க யூனிஃபார்ம் வியரா வந்து அஸ்யூம் பண்ணிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ரைட் தி गिवन டேட்டா வாட் ஆர் தி டேட்டா இஸ் गिवन இன் தி क्वेश्चन வி ஹேவ் டு ரைட் தி गिवन डेटा गिवन पाती 5000 न्यूटन पाती 5000 न्यूटन अत पाती डी वन पाती 200 mm अत आर वन पाती रेडियस नोट पड़ी 100 mm अत पा मीटर सब्सूट पड़ो डी वन पा 100 mm रेडियस पड़े 50 mm मीटर 15 टू 10 3 नेक्स्ट क्वेश्चन कंपिड़ी पड़ो अब पाती मिनिम एवरेज प्रेशर क्वेश्चन मूणुमें कैपिटी पड़ो मैक्सिम मिनिमम अंड एवरेज प्रेशर फर्स्ट कैपिटी के पड़ो अब पाती मैक्सिमम प्रेशर पाती फर्स्ट वी हव टू फाइंड आउट दि मैक्सिमम प्रेशर नोटेशन पाती पी मैक्स नोटेशन पाती पी मैक्स अब इतर फार्मुला पी मैक्स अब पाती पी मैक्स आर टू ईक्वल टू कांस्टेंट आर टू वो पाती क्वेश्चन कुत्तर सो नमुक सी कैपिटा पी मैक्स ईसिया कैपिटा पी मैक्स वह पाती सी वो एपी कैपिटा अब पाती सी कैपिटे और फार्मुला डब्ल्यू ईक्वल टू पाई सी इंटू आर वन माइनस आर टू डब्ल्यू क्वेश्चन 5000 न्यूटन कोटा आर वन आर टू कैपिटा फाइंड आउट पड़े वह पाती नमक वह पाती सीयो वैल्यू वह पातीसा वह पा कैपिटा सी ए सब्सूट पड़े पी मैक्स वो कैपिटा कंडीशन इंटेंसिटी ऑफ दि प्रेशर वो मैक्सिमम इन रेडियस वह पाती मैक्सिमम दट इस आर टू अब इतना फार्मा नम्बर सुनोम पी मैक्स आर टू ईक्वल कॉन्स्टेंट अब इतना पी मैक्स अब पी मैक्स इंटू आर टू वैल्यू क्वेश्चन अब पाती 50 × 10³ माइनस थ्री ईक्वल टू सी सी ईक्वल 15 × 10⁻³ माइनस थ्री पी मैक्स अब वो पी मैक्स अब अतना कैपिटो डब्ल्यू कैपिटी फार्मुला सब्सूट पड़ी डब्ल्यू डब्ल्यू क्वेश्चन को सी ये सब्सूट पड़ोना पी मैक्स वो ईसिया कैपिटा सो इतना एक्सएल फोर्स 10 kg क्लच फार्मुला डब्ल्यू ईक्वल टू पाई सी इंटू आर वन माइनस आर टू डब्ल्यू वो पाती 5000 क्वेश्चन को टू इंटू पाई इंटू सीयो वाले सब्सूट पड़ो 15 × 10⁻³ पी मैक्स अब इंटू आर वन माइनस आर टू आर वन पा क्वेश्चन को 100 × 10⁻³ माइनस आर टू वैल्यू वह पाती 15 × 10⁻³ 15 × 10⁻³ इतना नम्बर सब्सूट पड़ा इन नोटा उन्न अन्टा पी मैक्सा इत नम सब्सूट पड़ा ईसिया वह पाती पी मैक्स वैल्यू वो कैपिटा सो फार्मुला वे पी मैक्स इजिकल 31.83 सब्सूट पड़ा नमक वैल्यू कर्स्ट वो मैक्सिमम प्रेशर कैपिटो अतना कैपिटी अब पाती मिनिमम प्रेशर कैपिटो मिनिमम प्रेशर कैपिटो मिनिमम प्रेशर कैपिटो मिनिमम प्रेशर कैपिटे और फार्मुला फार्मुला अब पाती पी मिनिमम आर वन ईक्वल टू सी एस यूशल पी मिनिमम आर वन ईक्वल टू सी अब पी मिनिमम कैपिटी नमक आर वन क्वेश्चन को सी नमक सी कैपिटे सेम फार्मुला टू पाई सी इंटू आर वन माइनस आर टू डब्ल्यू क्वेश्चन कोटा डब्ल्यू को अत पा सी की वो इंटर वैल्यू कैपिटो पी मिनिमम टाइम्स ऑफ और वैल्यू इत सब्सूट पड़ोना पी मिनिमम नाम वो पाती कैपिटो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वो ये मिनिमम आउटर रेडियस मिनिमम नोटेशन आर वन फार्मुला पी मिनिमम आर वन ईक्वल टू सी अब फार्मुला इतना पाती पी मिनिमम आर वन क्वेश्चन कोटा पी मिनिमम इंटू आर वन पाती पाती 100 × 10⁻³ ईक्वल टू सीन सो सी ईक्वल टू 100 × 10⁻³ पी मिनिमम अब 100 × 10⁻³ पी मिनिमम अब पी मिनिमम कैपिटा अतना सी कैपिटा इतना एक्सएल फोर्स 10 kg क्लच फार्मुला पाती डब्ल्यू ईक्वल टू पाई सी इंटू आर वन माइनस आर टू डब्ल्यू क्वेश्चन को 5000 अड़ा 2 × 5 सी वो आलरे कैपिटा एवलना 100 × 10⁻³ पी मिनिमम अब आर वन पाती क्वेश्चन को पाती 100 × 10⁻³
மைனஸ் 50 × 10⁻³ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அன்னோன் டேட்டா பி மினிமம், இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா பி மினிமமோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். பி மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வந்து யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். பி மினிமம் கண்டுபிடிச்சாச்சு, 15.92 × 10⁴ நியூட்டன். இப்போ வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ரெஷர். தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ரெஷர். இப்போ ஆவரேஜுக்கு ப்ரெஷருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நொட்டேஷன் பி சஃபிக்ஸ் ஏவி டோட்டல் நார்மல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு டபிள்யூ டிவைட் பை ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் π × r₁² - r₂² அந்த r₁ r₂ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க. பி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா r₁ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r₁ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 × 10⁻³. r₂ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 × 15 × 10⁻³ ஹோல் ஸ்கொயர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஸ்கொயர். அட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணால் பி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு 21.22 × 10⁴ நியூட்டர் பர் ஸ்கொயர். இந்த இவ்வளோ தான் கொஷினில் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் கேட்குறாங்க. மேக்ஸிமம் ப்ரெஷருக்கு நொட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி மேக்ஸு. மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் எந்த இதில் மேக்ஸிமம் இருக்கும், அவுட்டர் ரேடியஸில் இன்னர் ரேடியஸ்லையா? அவுட்டர் இன்னர் ரேடியஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும், r₂ = c. இது ஒரு ஃபார்முலா சரிங்களா, இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது இந்த ப்ராப்ளத்தில் மினிமம் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறோம். மினிமம் ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து எங்கே மினிமமாக இருக்கும், அவுட்டர் ரேடியஸில் மினிமமாக இருக்கும். ஸோ பி மினிமம் r₁ = c இதுதான். அடுத்தது ஆவரேஜ் ப்ரெஷர். ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு w/π × r₁² - r₂². அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர், மினிமம் ப்ரெஷர், ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் இது மூணு தான் கண்டுபிடிக்கணும். இது தான் ஃபார்முலா. இந்த ஒரு ஃபார்முலா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஃபார்முலானா w = 2πc × r₁ - r₂ இதை தான் சப்ஸ் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4 ஃபார்முலாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும். பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ.